तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियो एडिटिंग बताऊंगा और ये वाला वीडियो रील्स पे काफ़ी वायरल जा रहा है। आपने भी ये वाला वीडियो देखा होगा और ये वाला वीडियो पे देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज भी आ चुका है और काफ़ी क्रिएटर भी इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह का बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो क्रिएट करके आप भी अपने रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं VN एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक कर लेता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो ऐड कर लेना है। ये वाला वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं और इसका मैं यहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ। पहले मैं इसका सॉन्ग भी ऐड कर लेता हूँ। सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये वाला सॉन्ग है तो यहाँ से मैं तो यहाँ पर एक इफेक्ट आ रहा तो यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आ रहा है देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह आपको मैं मार्क कर लेना है और यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। जितना भी वाला फोटो बच रहा है तो इसे आपको कट कर लेना है कुछ इस तरह और यहाँ से आपको अपना फोटो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये वाला फ़ोटो मैं ऐड कर लेता हूँ। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको इसे लेयर को बढ़ा लेना है सॉन्ग के हिसाब से। तो इतना दूर सॉन्ग है देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं पीछे का कट कर लेता हूँ और इतना दूर रहने देते हैं। तो कुछ इस तरह आपको भी कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से हल्का सा कट कर लेते हैं। ये वाला आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको कट कर लेना है। फोटो को आपको आना नहीं चाहिए तो हाँ इतना दूर ठीक है। तो कुछ इस तरह आपको एडजस्ट कर लेना है देख सकते हैं और इसे मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ आगे और यहाँ पर रहने देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन दे देना है कोई भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक जूम इफेक्ट कोई भी आप दे सकते हैं आपको जो वाला अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक वाला यूज करूँगा और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक इफेक्ट भी यूज कर लेना है। ये वाला इफेक्ट यूज कर सकते हैं या ये वाला कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये वाला मैं यूज करूँगा और इसे आगे में आपको कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है देख सकते हैं। पीछे आपको नहीं देना है पूरा फोटो में आपको एडजस्ट नहीं करना है। बस आपको कुछ इस तरह आगे तरफ आपको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह देख सकते हैं। और चाहेंगे तो आप इसे ब्लैक भी कर सकते हैं और इसका साइज में चेंज कर लेता हूँ रील्स वाला रख लेते हैं। और यहाँ पर वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया देख सकते हैं और यहाँ पर इफेक्ट यूज हो भी रहा है। तो कुछ इस तरह आपका वीडियो कंप्लीट हो गया और इसका म्यूजिक में ऑफ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से आप भी कोई वाला वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरह का देख सकते हैं स्लोमो और कुछ इस तरह का आप भी अगर ब्लर वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप काइनवेस्टर में जाके बना सकते हैं। तो चलिए मैं काइनवेस्टर में जाके आपको दिखा देता हूँ कैसे आप ब्लर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर काइनवेस्टर में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है वाला वीडियो पहले जो एडिट किया था वाला वीडियो आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये वाला वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर आ भी चुका है देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको कहना है अगर आपको ब्लर करना है अपने फ़ोटो में तो जहाँ से फ़ोटो स्टार्ट हो रहा है देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर इफेक्ट में चला जाता हूँ और इफेक्ट में जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है और यह वाला ब्लर आपको यूज कर लेना है। जितना दूर आपका फ़ोटो है उतना उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह आपको एडजस्ट कर लेना है देख सकते हैं और ये वाला लेयर आपको फुल कर लेना है। और आपको यहाँ पर ब्लर आप देख सकते हैं कितना आपको ब्लर देना है फिर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। 1 पे रखेंगे तो आपका हल्का हल्का ब्लर होगा और 2 पे रखेंगे तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इजी है आप कुछ इस तरह का ब्लर वाला भी बना सकते हैं। उसको तो आपको बस यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियो लाता रहता हूँ।
तो ऐसे ही मिले किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।